नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लग्न को कैसे पढ़ना चाहिए। कुंडली में लग्न भाव जो होता है, पहला भाव होता है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, वो क्या कहता है आपके बारे में, उसके बारे में। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। सारा डाटा डालने के बाद आपके सामने ऐसा एक कुंडली बन के आया, लग्न बन के आया। जो आपका ये पहला घर होता है वो लग्न होता है, ये वाला घर ये होता है। चौथा आपका सुख का भाव, शादी के बाद का सुख और कर्म भाव, ये जो चारों ग्रह घर होते हैं, ये चार ग्रह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं कुंडली में। ये चार ग्रह ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, दसवां घर, ये चार मजबूत हो जाएगा आपका घर, केंद्र भाव मजबूत, तो आपकी कुंडली पूरी मजबूत हो जाएगी। इसको कैसे मजबूत किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। आप आज समझिए, ये पहला घर जो है ना, पहला घर, इसको आपको कैसे मजबूत करना है। सारे दोष, सारे राजयोग इसी घर से फल देंगे। लगन मजबूत तो सब कुछ मजबूत हो जाएगा, लगन कमजोर तो सब राजयोग भी आपके कमजोर हो जाएंगे। देखो आज लगन के बारे में बताएंगे, जिन जिन का लगन बनता है आप देखते जाइएगा, ये लगन जो आएंगे बारी बारी से, वही आप समझ लीजिएगा इन लगनों से कैसे इनको मजबूत किया जा सकता है, लगन को कैसे मजबूत किया जाता है। कुंडली में सबसे पहले आप अपने घर को मजबूत कीजिए, तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। लाइन से आ रहे हैं, देखिए अब, देखिए अब, देखिए आप, जब भी आप कुंडली खोलते हो आपके सामने एक से लेके 12 लगन के अंदर कोई नंबर लिखा होता है। अगर एक नंबर लिखा है तो समझ जाइए मेष लगन बनता है आपका। मेष लगन का मालिक होता है मंगल, मंगल का रत्न होता है मूंगा। लगन को मजबूत करना है तो या तो आप मूंगा पहन लीजिए, या फिर हनुमान जी या शिव जी की आराधना कीजिए, आपका लगन मजबूत हो जाएगा। दूसरा नंबर लिखा होता है वृषभ, वृषभ लगन की कुंडली आपकी बनती है तो आपका लग्नेश बनता है शुक्रदेव, शुक्र मालिक है। या तो आप रत्न हीरा या ओपल डाल सकते हो, या फिर माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। तीन नंबर आपके सामने आता है तो तीन नंबर होता है मिथुन लगन, मिथुन लगन का लग्नेश बनते हैं बुधदेव, बुधदेव का रत्न होता है पन्ना, या तो आप पन्ना रत्न धारण कीजिए या श्री गणेश जी की आप आराधना कीजिए, आपका लग्न हो जाएगा मजबूत। चार नंबर आता है करक लगन, कैंसर, करक लगन का मालिक होता है चंद्रमा, चंद्रमा का रत्न होता है मोती, या तो आप मोती पहन लीजिए या फिर आप पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लीजिए। पांच नंबर आता है सिंह लगन, सिंह लगन का मालिक होता है सूर्यदेव, सूर्यदेव का रत्न होता है माणिक, या तो आप माणिक पहन लीजिए या आप सूर्य देव भगवान को सुबह रोज जल अर्पण करें, जिससे आपका सिंह लगन मजबूत हो जाएगा। छह नंबर आता है, छह नंबर कन्या लगन, कन्या लगन का मालिक होते हैं बुधदेव, या तो आप पन्ना रत्न पहन लीजिए या आप श्री गणेश जी की रोज आराधना कीजिए, जिससे आपका हो जाएगा लगन मजबूत। सात नंबर होता है तुला लगन, लिब्रा, तुला लगन का मालिक लग्नेश बनते हैं शुक्रदेव, शुक्रदेव का रत्न होता है हीरा या ओपल, या तो आप हीरा या ओपल धारण कर लीजिए या फिर आप माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। बात करते हैं अगले लग्न, आठ नंबर जिनका वृश्चिक लग्न होता है, उनके मालिक बनते हैं मंगल, मंगल का रत्न होता है मूंगा, या तो आप मूंगा रत्न धारण कर लीजिए या आप शिव जी या हनुमान जी की आराधना कीजिए। नौ नंबर होता है धनु लगन, धनु लगन का मालिक होता है गुरुदेव, बृहस्पति देव, या तो आप उनका रत्न पुखराज धारण कर लीजिए या फिर आप उनकी विष्णु देव की पूजा कीजिए, विष्णु देव की पूजा करने से धनु लगन मजबूत हो जाता है। दस नंबर आता है मकर लगन, मकर लगन का मालिक बनता है शनि देव, शनि देव, या तो आप शनि देव की पूजा कीजिए या हनुमान जी की पूजा कीजिए या आप उनका रत्न नीलम धारण कीजिए। 11 नंबर जो लगन आता है वो कुंभ लगन आता है, कुंभ लगन का मालिक होता है शनि देव, या तो आप शनि देव की आराधना कीजिए या हनुमान जी की आराधना कीजिए या नीलम धारण कीजिए। 12वें नंबर होता है मीन लगन, मीन लगन का मालिक होता है गुरुदेव, गुरु का रत्न धारण कीजिए या विष्णु देव की पूजा।
या आप विष्णु देव की पूजा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, यह लगन को मजबूत करने का उपाय था। आपका लगन मजबूत हो जाएगा तो सभी राजयोग फलित होंगे और आपको दोष भी कम हो जाएंगे। धन्यवाद।